नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर हवाई जहाज खरीदने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के पास शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं, जो राज्य शराबबंदी के कारण हर साल 6,000 करोड़ की राजस्व क्षति झेल रहा हो और जिसे GST की भरपाई बंद होने से सालाना 4,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि से वंचित रहना पड़ता हो, वह राज्य अपने मुख्यमंत्री के सपने पर पूरे करने के लिए 350 करोड़ का जेट विमान खरीदना चाहता है। यह फैसला गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस FD, NSSC और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% की बढ़ोतरी की है। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी 2023 से ये दरें लागू हो जाएंगी। सरकार की ओर से मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस की स्कीमों पर ब्याज दर में इजाफा किया गया है जिन पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल यानी शुक्रवार को कोलकाता से पटना लौटे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि नए साल में बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हम युवाओं के रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल के आखिरी दिन आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। वहीं बिहार में जेट प्लेन पर चल रही राजनीति को लेकर भी तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आखिरी बार जेट प्लेन जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में खरीदा गया था, अब ज्यादा जरूरी है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार लेती है तो अच्छा, लेकिन अगर बिहार सरकार प्लेन लेने जा रही है तो राजनीति शुरू। न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान शुक्रवार 3 दिसंबर को हावड़ा स्टेशन पर जमकर ड्रामा हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर उठने से इनकार कर दिया क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके आते ही जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस कार्यक्रम के लिए हावड़ा पहुंचने वाले थे, उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद इस एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर के SSP जयंत कान व पटना के SSP MS ढिल्लो सहित 33 पुलिस कर्मियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया है। उनको यह सम्मान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सतत सेवा में उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। 2022 में नई बैंकिंग शेयरों ने इन्वेस्टर्स को तगड़ी कमाई कराई और अब निगाहें 2023 पर है। इसी कड़ी में निवेशक नए साल में मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश कर रहे हैं। इस कड़ी में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर दलाल स्ट्रीट के उन बैंकिंग शेयरों में से एक है जो 2023 में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बढ़ती ब्याज दरों और कॉर्पोरेट लेंडिंग बिजनेस में अपेक्षित वृद्धि के कारण मार्केट एक्सपर्ट्स अब भी IDFC फर्स्ट बैंक शेयर की कीमत में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर गुजरात मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में भी परमिट पर शराब मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। मांझी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी से उन्हें कोई एक ही बात को बार बार कहने में ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुजरात में भी तो शराबबंदी है लेकिन वहां तो बिहार जैसी बातें नहीं उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब सब जगह लिमिट है जिसे शराब की जरूरत है उसे परमिट के साथ मिल जाती है। UIDAI ने जारी सलाह में कहा है कि आधार को किसी भी विश्वसनीय संस्था के साथ साझा करते समय उसी स्तर की सावधानी बरती जाए जो एक मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या या पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, राशन कार्ड आदि जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेज को साझा करते समय किया जाता है। यदि कोई निवासी अपना आधार नंबर साझा करने में सहज नहीं है तो UIDAI वर्चुअल पहचानकर्ता की सुविधा भी प्रदान करता है। UIDAI ने कहा कि यदि किसी निवासी के कुछ समय के लिए आधार का उपयोग करने की संभावना नहीं है तो वह ऐसी समयावधि के लिए आधार या बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकता है। इसे आसानी से और तुरंत अनलॉक किया जा सकता है। बिहार में ठंड बढ़ने और कोहरे की दस्तक के साथ ही कृषि विभाग ने सरसों, अरहर व आलू लगाने वाले किसानों को सावधान किया है। लाही लगने से रोकने के लिए फूल एवं पौधे सरसों व अरहर के वैसे पौधे जिनमें फूल आ चुके हो पर दवा का छिड़काव की जरूरत है। पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि दवा के छिड़काव से फसल सुरक्षित रहेगी। कोविड की वजह से कंपनियों की दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल हासिल करने में दिक्कत आ रही है। कच्चे माल की कीमत भी बढ़ गई थी, नतीजतन कंपनियां दवाओं की कीमतों में इजाफा कर रही थी। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। नए साल पर मरीजों को सस्ती दवाओं का तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कंपनियों पर सख्ती कर दी है जिसे सबसे ज्यादा दिल, गुर्दा, ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतों में कमी की गई है। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत KGBB को चलाया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने वार्डन, कम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, अकाउंटेंट, कम असिस्टेंट, चपरासी समेत कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर नौकरी के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें KGBB के ऑफिशियल वेबसाइट BEPCNiyojan.in पर जाना होगा।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ASI और हेड कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे CRPF की आधिकारिक वेबसाइट CRPF.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। नाथ ने कहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खुलकर तारीफ की और कहा कि इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं निकाली गई। राशन कार्ड और पेंशन परिवार पहचान पत्र से लिंक हो गए हैं। ऐसे में जिन लोगों की आय 1.80 लाख रुपए से अधिक है ऐसे परिवारों के BPL कार्ड और मासिक बुढ़ापा और अन्य पेंशन कट गई है। कई लोगों की आय वास्तव में कम है लेकिन PPP में निर्धारित सीमा से ज्यादा है। ऐसे लोग कोई भी रास्ता नहीं मिलने के कारण सरकार और अधिकारियों को कोस रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा दर्ज होने के कारण जिन लोगों की ये सुविधाएं बंद हुई है वे आय की त्रुटियां दूर कराने लघु सचिवालय स्थित ADC कार्यालय पहुंचे, जहां शुक्रवार को पोर्टल नहीं चलने के कारण लोगों के आवेदन स्वीकार नहीं हो पाए। सरकार ने शुक्रवार को जनवरी से मार्च तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड और कुछ योजनाओं को छोड़कर सभी स्मॉल सेविंग की ब्याज दरों में इजाफा कर नए साल का तोहफा दिया है। सरकार के अनुसार सभी स्कीम में 20 से 110 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। स्मॉल सेविंग की ब्याज दरों में प्रत्येक तिमाही में इजाफा किया जाता है। कोविड के दौरान कई तिमाहियों में इन ब्याज दरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इन्हें 7.15% से बढ़ाकर 7.35% पर ले आया गया है। इस बात की घोषणा RBI ने 30 दिसंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज के जरिए की है। इस फ्लोटिंग रेट में बदलाव उस घोषणा के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दरों को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। 14 जनवरी के बाद कैबिनेट के विस्तार की खबर है। जानकारी के मुताबिक खड़मास के तुरंत बाद ही कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं तो कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ नाम तय कर लिए गए हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। अगर आपने अब तक साल 2022 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इसे जमा करने का 31 दिसंबर 2022 यानी आज आखिरी दिन है। इससे पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी लेकिन जो लोग टैक्स फाइल नहीं कर पाए थे उन्हें मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक ₹5,000 की लेट फीस के टैक्स करने का मौका दिया था। जो लोग इस समय भी रिटर्न फाइल नहीं कर सके अब उन्हें दोगुने फाइन जमा करना होगा। 29 दिसंबर 2022 की शाम को CBSE बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट से CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट CBSE.NIC.in पर अपलोड कर दी गई। CBSE बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट डेट शीट के हिसाब से रिवीजन का अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। 2 जनवरी 2023 से CBSE बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू करवाने के लिए निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। सभी स्कूलों को 14 फरवरी 2023 तक प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी करवा लेनी है। देश के केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और केंद्र व राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CTET परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया है। पहले दो दिनों के लिए 74 शहरों में 243 परीक्षा केंद्रों पर 2,59,000 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। 28 दिसंबर 2022 से शुरू हुई ये परीक्षा 7 फरवरी 2023 तक विभिन्न तिथियों में जारी रहेगी जिसके लिए देश भर से 32.45 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के देहांत पर कई राष्ट्र प्रमुखों ने दुख प्रकट किया है। जापान नेपाल पाकिस्तान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शोक जाहिर किया है। बाइडेन ने कहा कि मैं और जिल बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक और संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इस कठिन वक्त में हमारी दुआएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ है। भारत सरकार भी COVID-19 के खिलाफ लोगों को सतर्क करते हुए कई तरह की तैयारियां कर रही है। अब एम्स दिल्ली के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को जनवरी के तीसरे हफ्ते तक सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत पैनिक वाली स्थिति अभी नहीं है लेकिन छुट्टियों के चलते कोरोना मामलों के बढ़ने की आशंका है। नए साल की शुरुआत से पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि TCS ने अपने कर्मचारियों को तगड़ा सैलरी हाइक देने का फैसला किया है। कंपनी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 70% तक की वृद्धि करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी अपने 100% कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करने जा रही है। यह बढ़ोतरी नए साल से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा था कि इस बढ़ोतरी का फायदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। केरल में शिवगिरी मठ के 90 वार्षिक तीर्थयात्रा केरल में शिवगिरी मठ की 90 वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं।
उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जाएगा। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार यानी 30 दिसंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पंत को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। उनके चेहरे और पीठ के घावों की प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। गनीमत यह रही कि उनके MRI स्कैन में दिमाग और रीढ़ की हड्डी नॉर्मल पाई गई, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह जानकारी मिल रही है कि पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज और IPL 2023 के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। 26 जनवरी 2023 का गणतंत्र दिवस इस बार भी बेहद खास होने वाला है। इस साल रिपब्लिक डे की परेड में प्रसिद्ध BSF ऊंट दल भाग लेगा, जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रहा है। इस साल परेड में BSF की पहली महिला टुकड़ी को ऊंट की सवारी करते हुए अपने पुरुष सुरक्षा बलों के साथ कदम ताल करेगी। हाल ही में महिला सुरक्षा बल ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बनी है। BSF के ऊंट दस्ते की इन महिला बलों की शाही पोशाक होगी। इनकी पोशाक प्रसिद्ध डिजाइनर राघवेंद्र राठौर द्वारा डिजाइन की गई है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सिर्फ एक टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। कई बार उनसे पूछा जा चुका है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कुछ और कपड़े क्यों नहीं पहन रहे। क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, और अगर नहीं लगती है तो इसका कारण क्या है? अब इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने बताया कि उनको इस वजह से सर्दी नहीं लगती क्योंकि वो ठंड से डरते नहीं है। जो भी लोग स्वेटर या जैकेट पहन रहे हैं वो ठंड से डरते हैं, इसलिए उनको सर्दी लगती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी यात्रा ही डर के खिलाफ है, मुझे डर नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में उसके द्वारा समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव जीत गए हैं। शुक्रवार को मतगणना के दौरान चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। ऐसे कई उम्मीदवारों ने भी विभिन्न पदों पर जीत दर्ज की है, जिनके बारे में समझा जाता है कि वे सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा समर्थित है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दल की तर्ज पर नहीं हुए, और किसी उम्मीदवार की जीत को किसी राजनीतिक दल की जीत घोषित नहीं किया जा सकता है। परिवारों में घरेलू कामकाज के असमान तरीके से विभाजन के बारे में एरियल इंडिया द्वारा की गई समीक्षा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इनमें सिर्फ 27% महिलाओं ने ही माना है कि उत्सव के दौरान उनके पति घरेलू कामकाज में उनका हाथ बताते हैं। 2014 में किए गए सर्वे में पता चला था कि 79% पुरुषों का ऐसा लगता था कि घरेलू कामकाज सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। हालांकि अब यह संख्या लगातार घटकर 41% हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करेगी। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला उठाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस और पार्टी नेताओं के बीच मीटिंग हुई। इस बैठक में तय किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पास चलने वालों की लिस्ट नहीं देती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को घेराबंदी के लिए जो रस्सी का घेरा बनाती है उसमें ज्यादा लोग घुस जाते हैं। इस बार भी अभी तक राहुल के पास चलने वालों की कोई लिस्ट नहीं दी गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद नौशद आजा, प्रभास कुमार, रवि यादव, बबलू कुमार, राजीव कुमार, दिव्या कुमारी राज, रहाने, के सिन्हा, अभिनेश कुमार, कौशल कुमार झा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में ठंड बढ़ने और कोहरे से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।